आगरा खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी कुसुम लता दीक्षित ने दलबल के साथ अपने निजी निवास स्थान से चलकर कलेक्ट्री पर नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि इस विधानसभा सीट की खासियत ये है कि सपा सरकार अपना प्रत्याशी इस सीट पर खड़ा कर चुका था, लेकिन तमाम अटकलों के बाद सपा कांग्रेस के गठबंधन के बाद ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। कांग्रेस प्रत्याशी ने बातचीत के दौरान विकास को ही इस चुनाव का मेन मुद्दा बताया। वहीं कांग्रेस की प्रत्याशी कुसुम लता दीक्षित ने विकास के नाम पर और महिलाओं के नाम पर दावा ठोक चुकी है। अब देखना यह होगा कि क्या सपा कांग्रेस का यह गठबंधन खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस सीट को विजयी पद दिला सकती है। बिल्कुल भी मेरे विरोध में नहीं है। डॉक्टर अनुपम शुक्ला जी से मेरी बातचीत भी हुई है। कल मीडिया को कलेक्ट्रेट में बयान भी दिया है कि कांग्रेस ने टिकट पैसे के बलबूते पर दिया। ऐसा कांग्रेस में कोई चलन नहीं है। ये तो देखिए, अब टिकट 10 लोग मांगते हैं और हमने भी शायद टिकट मांगा नहीं था। हम लोगों ने तो, मैंने तो पार्टी संगठन में काम ज्वाइन किया है। हमने टिकट न भारतीय जनता पार्टी में हम थे तो न हमने वहाँ आवेदन किया और न हमने वहाँ टिकट मांगा, न हमने यहाँ टिकट मांगा। हमने संगठन में काम करेंगे, लेकिन चलिए पार्टी संगठन ने ऐसा बताया कि आप उनको लड़ा दीजिए, वो वहीं की लड़की हैं, तो हमने उस चीज़ के लिए हाँ कर लिया, लेकिन जो काम दिया है उस काम को हम अंजाम दे रहे हैं।